श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथ सप्तमो अध्याय शाल्व के साथ यादवों का युद्ध। ये भी हो गया था। अथ सप्तमोध्याय शाल्वोद्धार। श्रीशुक उवाच सतूपैस्पृश्य सलिलं दंशितो धृतकार्मुक नयमाद्युमत पार्श्वं वीरस्येत्याह सारथिं विधमन्तं स्वसैन्यानि धुमन्तं रुक्मणीसुतः प्रतिहत्य प्रत्यविघ्नं नाराचैरष्टभिस्मयन् चतुर्भिश्चतुरो वाहान सूतमेकेन चाहनत द्वाभ्याम धनुष्य केतुं च शरीणान्येन वैशिर गदसात्यकी सांबाध्या जग्नुशोभपतेर्बलम् पेतु समुद्रे सौभेया सर्वे संचिन्न कंधरहा एवं यदुनाम शाल्वानाम निघ्नतामीतरेतरम् युद्धं त्रिणवरात्रं तदभूतु मूलमुल्बणम् इन्द्रप्रस्थं गतः कृष्णाहुतो धर्मसूनुना राजसूयेऽथ निवृत्ते शिशुपाले च संस्थिते। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहनकर धनुष धारण किया और सारथी से कहा, मुझे वीर द्युमान के पास फिर से ले चलो। उस समय द्युमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर 8 बाण मारे। 4 बाणों में से 4 घोड़े और एक एक बाण से सारथी धनुष ध्वजा और उसका सिर काट डाला। इधर गद सात्यकी सांब आदि यदुवंशी वीर भी साल्व की सेना का संहार करने लगे। सौभ विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दने कट जाती हैं और वे समुद्र में गिर पड़ते। इस प्रकार यदुवंशी और साल्व के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ और वह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। राजसूय यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई थी। कुरुवृद्धाननुज्ञाप्य मुनिश्च ससुतां पथां निमित्यान्यति घोराणि पश्यन् द्वारवतीं ययो आह चाह मिहायात आर्यमिश्रा विसंगत राजन्याश्चैद्य पक्षिना पक्षिया नूनं हन्यो पुरीं मम वीक्ष्य ततकदनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणम् सौभम च शाल्वराजम च दारुकम प्राह केशव रथम प्रापय मे सूत शाल्वस्यांतिकमाशुवै संभ्रमस्ते न कर्तव्यो मायावी सौवराडयम् इत्युक्तश्चोदयामास रथमास्ताय दारुक विशन्तं दद्रशु सर्वे स्वे परे चारुणानुजम् शाल्वश्च कृष्णमालोक्य अत प्राय वलेश्वर प्राहरत कृष्णसूताय शक्तिं भीमरवामृधे तामापतन्ती मनवसी महोल्कामिव रंहसा भासयन्तीं दिशसौरिर्सायके शतधाञ्छिनत् तं च षोडशभिर्विदध्वा बाणे शोभं चखे भ्रमत् अविध्यच्छर सन्दोहे खम सूर्य इव रश्मिभिः शाल्वशौरेस्तु दोसव्यं शशारंग शारंग धन्वनः विभेदन्यपतद्धस्तात्
शारंगमासी तदद्भुतम हाहाकारो महानासीद भूतानां तत्र पश्यताम विनद्य सौभराडुच्चैरीद माह जनार्दनम। वहां भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों और ऋषि मुनियों कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वे मन ही मन कहने लगे, मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया, अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और सौभपति शाल्व को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ शाल्व के पास ले चलो। देखो यह शाल्व बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय न करना। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे शाल्व की ओर ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशियों और शाल्व की सेना के लोगों ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। परीक्षित, अब तक शाल्व की प्राय सारी सेना नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चल रही थी और बहुत बड़े रूप के समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाश से दिशाएं चमक उठी थीं। उसे सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने शाल्व को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी जो आकाश में घूम रहा था असंख्य बाणों से चलनी कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है। शाल्व ने भगवान कृष्ण की बाईं भुजा में जिसमें शारंग धनुष शोभायमान था बाण मारा। इससे शारंग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घट गई। जो लोग आकाश या पृथ्वी से युद्ध देख रहे थे वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे। तब शाल्व ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूं कहा, यत्तत्वया मूढ़न सख्यो भ्रातुर्भार्या रतेक्षताम प्रमत्त स सभा मध्ये त्वया व्यापादित सखा त्वं त्वाद्य निशितेर्वाणेर पराजित मानिनम नयाम्य पुनरावृत्तिम यदि तिष्ठेर ममाग्रत। मूढ़, तूने हम लोगों के देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया तथा भरी सभा में जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था तूने उसे मार डाला। मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजेय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहां पहुंचा दूंगा जहां से फिर कोई लौट कर नहीं आता। श्री भगवान उवाच, व्रथाम त्वं कत्तसे मंद न पश्यन् पश्यस्यन्ति केन्तकं पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूरान बहुभाषिण। इत्युक्त्वा भगवान शाल्वं गदया भीम वेगया तताड़जत्रो संरद्ध सच कंपेव मन्नस्रक गदायां सन्निवृत्तायां शाल्वस्त्वन्तरधीयत ततो मुहूर्तागत्य पुरुष शिरसाच्युतं देवक्या प्रहितो स्मिति नत्वा प्राह वचो रुदन कृष्ण कृष्ण महाबाहो प्रताते पितृवत्सल बदद्वापनीत शाल्वेन सौनिकेन यथा पशु निशम्य विप्रियं कृष्णो मानुषीं प्रकृतिं गत विमनस्को घृणी स्नेहाद बभाषे प्राकृतो यथा कथम रामम संभ्रातम संभ्रांतम जित्वा जयम सुरासुरे शाल्वेनाल्पीयसानीत पिता मे बलवान विधि इति ब्रुवाणे गोविंदे सौभराट प्रत्युपस्थित वसुदेवमिवानीय कृष्णं चेदमुवाच सः। मूढ़, तूने हम लोगों के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे मंद तू व्रता ही बहक रहा है, तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर मौत सवार है। शूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती
और भयंकर गदा से शाल्व के जत्रु स्थान हंसली पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब शाल्व अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद दो घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाबाहु श्री कृष्ण, शाल्व तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाए। यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए। उनके मुंह पर कुछ उदासी छा गई। वे साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, अहो मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। शाल्व का बल पुरुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांध कर ले गया। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह रहे थे कि शाल वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहां पहुंचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, एष ते जनिता तातो यदर्थ मेह जीवसी वदिष्ये छी वीक्षतस्ते मुमीशश्चेत पाहि बालिश एवं निर्भस्त्य मायावी खड़गे नानक दुंदुवे उत्कृत्य शिरादाय खस्थम सौभम समाविशत ततो मुहूर्तम प्रकृता उपलुप्तः स्वबोध आस्ते स्वजनानुसंगतः महानुभावस्तद बुद्ध्यदासुरीं मायां च शाल्व प्रसृतां मयोदितां न तत्र दूतं न पितुः कलेवरं प्रबुद्धाजो समपश्यदस्युतः स्वाप्नं यथा चाम्बरचारिणं रिपुं सौभस्थमालोक्य निहन्तुमुद्यतः एवं वदन्ति राजर्षि ऋषय केचनान्विता यत स्ववाचो विरुध्येत नूनं तेन स्मरन्त्युत क्व शोकमोहो स्नेहो वा भयं वा येज्ञ संभवः क्व चाखंडित विज्ञान ज्ञानेश्वर्यस्त्व खंडितः यत्पादसेवोर्जिततयात्मविद्यया हीवन्त्यनाध्यात्मविपर्ययग्रहं लभन्तात्मीयमनन्तमैश्वरं कुतो नमोह परमस्य सद्गते तं शस्त्रपूगय प्रहरन्तमोजसा शाल्वं शरेशोरिरमोघविक्रमः विदध्वाच्छिनदवर्म धनुशिरोमणिं सौभं च शस्त्रोर्गदयारुरोजः। मूर्ख देख, तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप यही है जिसके लिए तू जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ, कुछ बल पौरुष हो तो इसे बचा। मायावी शाल्व ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया और उसे लेकर अपने आकाशस्थ विमान पर जा बैठा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप और महानुभाव हैं। वे घटना देखकर दो घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए, परंतु फिर वे जान गए कि यह तो शालो की फैलाई हुई आसुरी माया ही है जो उसे मैदानों ने बतलाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा, न वहाँ दूत है और न पिता का वह शरीर, जैसे स्वप्न में एक दृश्य दिख कर लुप्त हो गया हो। उधर देखा तो शाल्व विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है। तब वे उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए। प्रिय परीक्षित, इस प्रकार की बात पूर्वापर का विचार न करने वाले कोई कोई ऋषि कहते हैं। अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों के विपरीत है। कहाँ अज्ञानियों में रहने वाले शोक मोह स्नेह और भय, और कहाँ वे परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिनका ज्ञान विज्ञान और ऐश्वर्य अखंडित है, एक रस है। भला उनमें वैसे भावों की संभावना ही कहाँ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्मविद्या का भलीभांति संपादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप अनादि अज्ञान को मिटा डालते हैं।
तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन संतों के परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में भला मोह कैसे हो सकता है। अब शालु भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा था। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से शाल्व को घायल कर दिया और उसके कवच धनुष तथा सिर की मणि को छिन्न भिन्न कर दिया, साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया। ततः कृष्णस्तेरितया विचूर्णितं पपात तोये गदया सहस्रधा विसृज्य तदभूतलमास्थितो गदा मुदम्य शाल्वोचितमभ्यगाद द्रुतम् आधावत स गदम तस्य बाहुं भल्लेन चित्वाथ रथांगमद्भुतम् वदाय शाल्वस्य लका लयार्कसन्निभम् विभ्रद वभौ सार्क इवोदयाचल जहार तेनेव शिरसः कुण्डलम् क्रीटयुक्तम् पुरुमायिनो हरिः व्रजेण वृत्तस्य यदा पुरंदरो बभूव हाहेति वचस्तदा नृणाम् तस्मिन् निपत्तिते पापे सौभे च गदया हते नेदुन्दुन्दुभयो राजन दिवि देवगणेरिता सखीन्नामपचितिं कुर्वन् दन्तवक्त्रोरुषाभ्यगात्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही शाल्व हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। शाल्व को आक्रमण करते देख उन्होंने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट कर गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। उस समय उनकी शोभा ऐसी हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभायमान हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी शाल्व का कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का सिर काट डाला था। उस समय शाल्व के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्ला उठे। परीक्षित, जब पापी शाल्व मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवता लोग आकाश में दुंदुभियां बजाने लगे। ठीक इसी समय दंतवक्त्र अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुंचा। इति श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे स्वभवधो नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः संपूर्ण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।